हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ न्याति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो हमारी एक्सरसाइज 9.3 खत्म हो गई। नाउ देखो, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस चीज की? अब ऑब्वियसली दो एक्सप्रेशन है और हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि मोनोमियल टू बायनोमियल हमने मल्टीप्लाई करी। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म होती है, ठीक है। बायनोमियल क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स होती हैं। नाउ अब हम क्या सीखेंगे कि बायनोमियल टू बायनोमियल मल्टीप्लाई कैसे होती है और बायनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई कैसे होती है। सो बायनोमियल मींस जिसमें टू टर्म्स हो, एंड बायनोमियल टू ट्राइनोमियल मींस टू टर्म्स टू थ्री टर्म्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, बायनोमियल टू बायनोमियल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट सपोज कि हम खुद से एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक एक्सप्रेशन है 2x + 3y, ठीक है। हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये पहला बायनोमियल, और दूसरा बायनोमियल लेट सपोज 4x + 6y, ठीक है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2x + 3y मल्टीप्लाई 4x + 6y। देखो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा? 2x को पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक फर्स्ट टर्म से पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली विद द सेकेंड टर्म, पहले सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। और इन सब के बीच में जो साइन आएगा वो किस चीज का आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह पे पॉजिटिव साइन है, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। तो देखो, 2x से पहले 4x को मल्टीप्लाई करो, 8x। नाउ 2x से 6y को 12xy, प्लस 3 से 4 को 12xy, नाउ 3 से 6 को 18y2। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो 8x² + 18y² + 24xy। 24xy क्यों आया? क्योंकि ये वाला 12 और ये वाला 12 ऐड हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो सेम है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इस वजह से ऐड हो गए। सो नाउ एक और एग्जांपल ले लो, 2x + 5z z और 7x + 2y, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल दिया है। सो अब इस एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस करो कि जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो दोनों में जो वेरिएबल्स थे वो सेम थे, दो टर्म्स थी उन दोनों के वेरिएबल सेम थे, बट यहाँ पे एक जो फर्स्ट टर्म है दोनों में तो उसका तो वेरिएबल सेम है, बट जो सेकेंड वाली टर्म है उसका वेरिएबल डिफर हो रहा है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायनोमियल टू बायनोमियल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी वैसे ही होगा। सो कैसे होगा? 2x को 7x से मल्टीप्लाई करो, 14x², देन 2x को 2y से प्लस 4xy, देन 5z को 7x से, तो क्या होगा? 35xz। नाउ 5z को 2y से, तो 10yz। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि आप लोगों को क्या कोई भी जो वेरिएबल है टर्म्स का वो सेम दिख रहा है? देखो यहाँ पे तो x² है, बाकी कोई टर्म x² में नहीं है, तो ये तो है ही अलाइक।
नाउ एक्स वाई, तो ये भी एक्स वाई नहीं है, ये भी एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड देखो। तो अब ये जो है यही इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम इसके आगे ना तो इसको ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल टू बाइनोमियल फिनिश होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ऐसे ही होगा सेम प्रोसीजर, बट बस अब हमको टू टर्म को थ्री टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल 3x+5y एंड 2x+5y+6z। ओके फाइन, नाउ 3x से जब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x2, 3x से जब 5y को करेंगे तो 15xy, 3x से 6z को देन 18xz। नाउ अब हमने फर्स्ट टर्म के तो सारे कर लिए, अब बची है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को जब हम फर्स्ट टर्म से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10xy+25y2+30yz। गॉट इट स्टूडेंट्स? कोई डाउट अभी तक तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप लोगों को कोई सिमिलर वेरिएबल दिख रहा है। पहले ये स्क्वायर वाले अलग लिख लो, जैसे कि 6x2 और +25y2। इन दोनों का तो कोई लाइक टर्म नहीं है, बट इनका हो सकता है। तो एक्स वाई और एक्स वाई देखो सिमिलर है, तो 25xy हो गया, ये दोनों भी काउंट हो गई। बट ये और ये वाली टर्म जो है ये है अलाइक टर्म, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। सो नाउ एक क्वेश्चन है, होमवर्क में ले लो या अभी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2x+10z एंड 10x+15y+z। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में। क्योंकि अगर नहीं आ रहा समझ में देन प्लीज वो भी कमेंट कर दो, क्योंकि फिर क्या पता मैं आप लोगों को गलत तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके देखूंगी। नाउ अब हमने बाइनोमियल टू बाइनोमियल सीख लिया, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस आर देयर, सो जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 8, करना वही है मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ए पार्ट क्या करना है, -x-4 को 2x+3 से मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे लिखेंगे हम इसे, x-4 और 2x+2। सो पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2x2, देन फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से 3x, देन इसे 8x, -8x आएगा। -8x क्यों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाली नेगेटिव वाली टर्म को और पॉजिटिव वाली टर्म को, तो क्या बनता है नेगेटिव वाली टर्म। ठीक है, नाउ -12, सो ये एज इट इज रहेगा। अब ये हमें सॉल्व करना है, आई होप ये सबको क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो -5x-12, अब कैसे आया -5, जब हम -8 में जब 3+ करेंगे तो -5 बनेगा। -5 क्यों, क्योंकि 8 के आगे माइनस है ना कि 3 के आगे। ओके सुन, सो नाउ बी पार्ट, x-y
3x प्लस 5y, तो x को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर देन 5xy देन माइनस 3xy देन सॉरी माइनस 5y स्क्वायर। समझ में आ गया ना यहाँ पे माइनस क्यों आया है दोनों जगह पे, क्यों आया है? क्योंकि y के आगे माइनस लगा हुआ है। सो ये वाली जो 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर वाली टर्म है वो एज इट इज आएगी, बट ये वाली जो टर्म है वो 2xy। 3 में से अगर 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, क्योंकि जो माइनस है वो 3 के आगे है जो स्मॉलर डिजिट है। नाउ एग्जांपल 9 मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इजी है स्टूडेंट्स, आई होप कि डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आपको। ए टू बी मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी देन ए टू माइनस 5 माइनस 5 ए देन प्लस 7 बी देन माइनस 35। अब देखो ये जो आंसर हमारा आ रहा है क्या इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना कुछ सिंप्लीफाई, क्लियर है ना? कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोई टर्म लाइक है ही नहीं, सारी टर्म अलाइक है। फर्स्ट टर्म में ए और बी दोनों आ रहे हैं, उसके बाद किसी टर्म में नहीं आ रहे, सेकेंड टर्म में ए आ रहा है बाकी किसी टर्म में नहीं आ रहा, थर्ड टर्म में बी एज अ वेरिएबल आ रहा है बाकी किसी टर्म में नहीं आ रहा, एंड द लास्ट वन इज कॉन्स्टेंट। ओके सो बी पार्ट एग्जाम्पल नंबर 9 का देखो, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 3b। ओके तो जब हम ए स्क्वायर को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a क्यूब आएगा, a की पावर इंक्रीज हो जाएगी, देन ए स्क्वायर को हम माइनस 3ab से कर 3b से करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर b। नाउ दीज टू टर्म्स 10b स्क्वायर a एंड माइनस 6b क्यूब। आई होप सबको मल्टीप्लाई करना आ रहा है। अब देखो इसमें से लाइक और अनलाइक टर्म्स देखो, सारी ही अनलाइक है, बट इसको थोड़ा एक अरेंज्ड वे में लिख दो। अरेंज्ड वे में कैसे लिखते हैं? पहले हम लोग बड़ी पावर का लिखेंगे जैसे कि क्यूब वाली, देन 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी देन 10b स्क्वायर a इज द आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नाउ अब लास्ट एग्जांपल बचा है, एग्जांपल नंबर 10। नाउ एग्जाम्पल 10। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे वो एक वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। देखो ये वाली जो टर्म है वो बाइनोमियल है, ये है ट्राइनोमियल, और अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन की तो ये बाइनोमियल टू मोनोमियल है जो हमें मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स एक बार ना कमेंट करके ये जरूर बता दो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस करें, एक्स वाई जी किसी भी चीज में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में, या आप लोग टर्म्स नहीं पहचान पा रहे मोनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल किसे बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है और अगर समझ में आ भी रहा है प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, और क्या समझ में नहीं आ रहा है ये भी, ठीक है, ताकि मुझे एटलीस्ट पता तो चले, कि मुझे एक फीडबैक मिलता रहे कि हाँ भाई ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, या ये चीज मैंने शायद ठीक से नहीं पढ़ाई, या उन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ी, तो मैं दोबारा समझाऊंगी। फाइन नाउ एग्जाम्पल 10। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखो पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और c से मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे,
ए को 2a से तो 2a² ए को -3b से -3ab, नाउ ए को सी से तो +ac। अब फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेकंड टर्म की बारी, मतलब कि अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को b से मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे होगा, 2a को b से करो +2ab -3b² +bc, ठीक है। अब माइनस, इसको ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो जो साइन है वो चेंज होंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करो। 2ac -3bc, 2a² -3b², हमने ये वाली टर्म लिख ली, ये वाली टर्म लिख ली। नाउ -3ab +ac +2ab +bc -2ac और +3bc। माइनस और प्लस माइनस हो गया, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें से लाइक और अनलाइक टर्म्स, देखो ये दोनों तो है ही अनलाइक। स्क्वायर आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, a² और b² किसी और टर्म में, तो ये दोनों तो है ही अनलाइक। पहले इन्हें लिख दो, इनका काम खत्म हुआ। नाउ अब देखो ab वाली टर्म्स, देखो ab और ab, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो है ab की। -3ab और +2ab करेंगे तो क्या होगा, -ab होगा। नाउ ac एंड ac, देखो ये दोनों टर्म्स भी, तो -ac हो गया। -2ac और +ac करेंगे तो -ac आएगा। नाउ bc एंड 3bc, तो 4bc इज द आंसर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे ज्यादा सिंप्लीफाई? रीजन आप लोगों को भी पता है, क्योंकि अब कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं बची है, ये सारी की सारी जो भी हैं अनलाइक टर्म्स हैं, हम इसे फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल, एंड एग्जाम्पल 8, 9 और 10 आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखो मैथ्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद क्वेश्चंस तो होते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही समझाती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज कराती हूँ। क्या क्या एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्या लगता है कि छोड़ने से क्या बहुत कुछ हो जाएगा? नहीं यार, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे आप मानो ना मानो। अभी आप 8th क्लास में, अभी आपको नहीं लग रहा होगा एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, पर जैसे आप 9th 10th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे एंड यू ऑप्ट मैथ्स, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इट्स गुड कि आप अभी से हैबिट डाल लो। सो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करना कि भाई ये डाउट है मैम, इसे दोबारा समझा दो, या जो भी आप लोग बोलना चाहते हो मैम, दीदी, वॉट एवर, ठीक है, वो कमेंट कर देना कि दोबारा समझा दो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।